फ्रेंड्स, फूड पांडा यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज हम आपके साथ मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव चिकन बोनलेस, हड्डी के बगैर, उसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। फिर हमने लेना है नींबू पानी, वो इसमें डाल देना है बोल में। काली मिर्च का पाउडर है, ये भी डाल देना है इसमें। इसको आपने हस्बे जायका इसमें शामिल करना है। वो ये लिया है हमने गरम मसाला पीसा हुआ, इसको भी मामूली सा डालना है हस्बे जायका। एक चम्मच, डेढ़ चम्मच से काम चल जाएगा। ये हमने पेस्ट लिया है अदरक और लहसुन का, इसको भी इसमें डाल देना है। ये सब्ज मिर्च ली है, उसको भी हमने पीस लिया है। ये भी मामूली सी डालनी है आपने, कहीं ज्यादा मिर्च ना डल जाए इसमें। ये क्रीम ली है हमने, दो चम्मच क्रीम के लिए छोटे, ये भी इसमें डालनी है। ये चंद स्टिक ली है जो कि हमें टिक्के बनाने के लिए काम आएगी। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। व्यूअर्स, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, हमने इसको खुश्क होने के लिए रखा था, ये जरा खुश्क हो गए हैं। अब हम इसको इन स्टिक्स में डाल लेंगे और फ्राई करेंगे। तो व्यूवर्स, ये हमने स्टिक में सारी डाली है, चार चार पीस एक स्टिक में हमने डाली हैं। अब इसको फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आग जला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें घी डाल लेना है। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बटर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसको गर्म होने देंगे थोड़ा सा। फ्रेंड्स, अब इसको, ये हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये फ्राई करते हैं। ये हमारी स्टिक बहुत बड़ी है, इसको हम थोड़ी सी कट कर लेते हैं इधर से। अभी हम 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह घी में फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे टिक्के अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। इनको बनाने के लिए हमें तकरीबन 25 मिनट का टाइम लगा। ये अभी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, आप इसको खाने के काबिल हो चुके हैं, खा सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। आप अपने पास केचप रखें, केचप के साथ और भी ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फूड पांडा को सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए यही, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ਦੀ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾ, ਆ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਗੇ ਆਪ ਸੁਣਾ। ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।